मैंने बहुत कुछ लिखा ना लिखा क्या लिखा छोड़िए, मैंने कोई माफी नहीं मांगी। मैं अपने बाप पर अटक था और मेरी संपत्ति वो भौतिक संपत्ति नहीं है, सोना चांदी रुपया हवेली नहीं है। हमारी संपत्ति हमारे लोग, जिस दिन ये लोग बड़े हो जाएंगे, जिस दिन बात समझ लेंगे, उस दिन देश आपका होगा। जितनी हमारी जागृति बढ़ी और जितने पॉलिटिक जागृति का मतलब समझते हैं कि खाली राजनीतिक जागृति, बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति में वो पूंजी है, इससे अपनी मुकदमा बदल सकते हो। आप झूठ पड़े, लड़ाई तो लड़ी जाएगी, अब ये ग्लोबल वर्ल्ड है, अगर एक बार हंगामा होता है तो ग्लोबल ट्रेड होता है, यूएनओ में जाता है पूरा। अपने बच्चों को साहसी बनाइए, घर में बोलते हैं बेटा क्या जाना, कैसे झगड़ा मत करना, ये लेसर एनिमी करते हैं। अगर राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं तो 51% का सिद्धांत समझिए, 24 कैरेट अगर गोल्ड आप चाहेंगे तो जिंदगी में चेतना आपकी बढ़ेगी, आप हारते रहेंगे। 51% मतलब 50+1 में सरकार बनती है। अगर हमसे आपकी 51% सहमति है तो आप हमारे साथ आइए। हमारे लोग करते क्या है, 98% सहमति है और 2% असहमति है, तो नहीं खराब है, शत्रु है। बहरहाल आप सबको तो बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधा पॉइंट पे जाता हूँ, मास्टर हूँ, 1 घंटा बोल सकता था, टाइम मिलता तो जरूर बोलता, लेकिन उदित राज जी ने एक बात कही है, व्हाट नीड्स टू बी डन व्हाट इज टू बी डन। समस्याएं बहुत हैं, क्या किया जाए नहीं किया जाए ये बात है। सबसे पहले झूठ निर्मित भारत में आपका स्वागत है। झूठ निर्भर समझ रहे हैं बात, आपने वही सुना जो मैंने कहा, झूठ निर्भर भारत में आपका स्वागत। और मैं बहुत ज्यादा इतिहास में पीछे नहीं जाऊंगा, 8 साल की ही बात करूंगा। और एक कथा आपने सुनी होगी, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा एक एक करके खाएगा, और एक व्यास पथिक कथा तो उपदेश में शायद हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था कि पूरा बाघ जो है हाथ में कंगन लिए हुए बैठा रहता है तालाब के किनारे, और पथिक आता, सिर्फ याद दिला रहा हूँ, कहानी नहीं बताऊंगा, बेचारा कहता है कि पानी में नहा कर आओ उसके बाद यह आभूषण लेकर जाओ। वो पानी में जाता है, वो पानी नहीं दलदल है, और दलदल में जब फंसता है तो बाघ बड़े प्यार से शिकार कर लेता है। 8 साल के घटनाक्रम पर नजर डाले, और सीधा सीधा बात कहने में घुमा भी रहा है, कहने की बात नहीं, क्या खोया क्या पाया सब देखा जाएगा। सीधे सीधे आरएसएस बैठ, बीजेपी के झूठ निर्भर भारत के झूठे प्रोपेगेंडा, आने वाले चुनाव में इसको हराइए, सीधी सी बात है, इसमें समझ में क्या, यहां से ऐलान है। और किसे जिताइए अब सवाल है। हमारे पास कुछ साथी जब बेल से रिहा हुआ तो कई साथी उत्तर प्रदेश से आए और कई तमाम जगहों से, उन्होंने कहा कि लीडरशिप इज क्राइसिस, कि आप लीडरशिप संभालिए, आप आइए मैदान में। मैंने कहा आप सबका शुक्रिया कि आप सबने जो प्रेशर बिल्डअप किया, और सब तमाम दिल्ली के साथियों और भारत भर और दुनिया भर के साथियों का शुक्रिया और न्यायालय का भी शुक्रिया कि ये सरकार 24 घंटे भी मुझे रोक नहीं पाई। तो मैंने कहा कि आपको सबका शुक्रिया और प्रणाम करता हूं, लेकिन अभी पॉलिटिकल लीडरशिप में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अभी मैंने कहा, ये नहीं कि कभी नहीं, अभी, क्योंकि मैं शिक्षक हूं, जब छात्र आते हैं तो पहले कहते हैं अपने दिमाग का स्लेट मिटा लो, पहले नए स्लेट पे लिखने से बेहतर ट्रेनिंग होती है, लर्निंग बेहतर होती है। तो इसलिए मोदी साहब ने एक सफाई अभियान चलाया, और मैं भी स्वच्छता पसंद हूं, देखिए रोज मेरे कपड़े बदलते हैं और बहुत साफ और बहुत महंगे कपड़े पहनता हूं, ब्रांडेड। मैंने कहा अगर 10 वर्ष तक मैं सफाई अभियान चलाऊंगा, वो सड़क की सफाई करवा रहे हैं,
और हम बहुजनों के दिमाग की सफाई करवाएंगे। आप बुद्धिस्ट बने ना बने, कब बनेंगे नहीं बनेंगे ये मैं नहीं जानता, और ये आपको फोर्स भी नहीं मैडम, आपका सुनना ज्यादा जरूरी है। ये फोर्सफुली भी नहीं कहा जा रहा है कि आप बुद्धिज्म एक्सेप्ट करें, लेकिन इन बिटवीन भी एक स्पेस है। सबसे पहले काम करना है कि आपको आडंबर कचरा जितना घर में है रखा हुआ तो निकाल कर नदी में बहा दो, बहा दो, इज्जत के साथ बहा दो भाई, इज्जत के साथ बहा दो। ये लो अपनी लपुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, उसको बहाओ हटाओ और उसके जगह सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख, अंबेडकर, पेरियार, वो किताबें लाओ, उनके फोटो दिखाओ। अब आइए मेरे घर पे, दूर से ही बड़ा सा बाबा साहब का पोर्ट्रेट आपको दिखेगा। कि कोई मैं जानता हूं कि भारत के लोग चंद्रमा पर भी चले जाएंगे तो सबसे पहले मंगल पर भी जाकर जाति पूछेंगे, कौन जाते हो भैया। हमारे अमेरिका के एक दोस्त कहते हैं कि वो सब कहते हैं कि चलो स्विमिंग पूल में नहाने, बोला क्यों भाई, तो उससे जब गंजी उतारेंगे तब पता लग जाएगा कि जनऊ पहना है कि नहीं पहना। तो मैंने दूर से बड़ा सा तंग दिया कि भैया आने से पहले पता कर लेना कहाँ आ रहे हो, इधर उधर की बात नहीं, काम की बात करो, मन की बात उधर जाना, काम की बात करो। तो आप साफ कर लीजिए, और जिस दिन उदित नाथ जी 10 लाख कह रहे थे, मैं तो कह रहा हूं 10 साल 15 साल मेरी नौकरी है, 15 साल यही तैयारी करूंगा, अब तब तक आपके पास मैं चंदा मांगने आऊंगा ना वोट मांगने आऊंगा। जिंदगी कितनी लंबी हुई ये इंपॉर्टेंट नहीं, कितना मीनिंगफुल हुआ ये इंपॉर्टेंट है। राजनीति भी करने होगी तो 65 साल में भी शुरू करूंगा। जयप्रकाश नारायण जिंदगी के सारे मूवमेंट उनके चले नहीं, लेकिन सीधे आके बुढ़ापा में सरकार बदल दी, जो भी उनका दर्शन हो वो हटाइए, उसमें नहीं जाते। इतने सारे बाबा साहब के जमाने में कितने एमएलए एमपी मिनिस्टर थे, किसी का नाम ही याद नहीं, लेकिन बाबा साहब को सब जानते हैं, वो चुनाव नहीं जीते थे लोकसभा। तो हमारे लोग जो है, मैं जहां जाता हूं ना उनको सबसे पहले बाबा साहब को उंगली दिखाते हैं ऐसे कि बाबा साहब बोले थे संसद पर कब्जा करो, अरे कब्जा करके करेंगे क्या ये पता ही नहीं, 131 तो बैठे मन 131 बैठ गए, कुछ नहीं हो रहा सर, देख लीजिए। अगर मुंह में दही नहीं जमाए होते, बोलते रहते, हंगामा करते रहते, तो ये जितना उचित राज्य एजेंडा लिखे हैं इसकी जरूरत हमको यहाँ पर आके दिन भर भाषण करने की जरूरत नहीं पड़ती। कम से कम हम आप लोगों को बधाई देना चाहते हैं, कम से कम लोहिया कहा करते थे कि जब सड़क सुनसान होगी तो संसद आवारा हो जाए, इस संसद को बांझ नहीं होने देना है, याद रखिए। लोग डराते हैं, अरे निजीकरण आप बात एजेंडा ला रहे हैं, दिल्ली पुलिस तक का निजीकरण हो रहा है, हो गया है दिल्ली पुलिस तक का। वो अभी अग्निवीरा है, उसके बारे में थोड़ा सा टाइम नहीं है ना, तो बढ़िया से बताता है, अग्निवीरा की कौन सा वीर है वो भी बताता है। अभी डॉक्टर रितु यहाँ बैठी हुई, लगातार तो मुझे लगता है दो साल से लगातार कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रिंसिपल के खिलाफ FIR हो चुका है, लेकिन आज तक उसे गिरफ्तारी नहीं हुई है, चीटिंग एंड फॉर्जरी ऑल्सो। और मुझे लगता है कि उस प्रिंसिपल से ज्यादा सामाजिक हैसियत मेरी तो होगी, उससे ज्यादा मेरी सामाजिक हैसियत होगी और राजनीतिक हैसियत भी होगी। मैं जाकर चमचागिरी कहीं नहीं करता, किसी का सलाम नहीं करता, लेकिन मेरी गिरफ्तारी विद इन 3 डेज हो जाती। मैंने बहुत कुछ लिखा ना लिखा, क्या लिखा छोड़िए,
मैंने कोई माफी नहीं मांगी। मैं अपने बात पर अडिग था, अडिग हूं, क्योंकि हम माफी वीरों के वंशज नहीं है, संघर्ष करने वाले लोग। माफी नहीं मांगी हमारे पूर्वज, हमारे वक्तव्य से कोई टेंशन हुआ देश में नहीं हुआ, कोई झगड़े हुए, कोई दंगे हुए नहीं हुए, लेकिन यह पुलिस 3 दिन में गिरफ्तार कर लेती है मुझे, और जिनके कहने से देश भर में दंगा हुआ, हंगामा मचा हुआ, उसको यही दिल्ली पुलिस, यहां होंगे आईबी के लोग होंगे, सब दिल्ली पुलिस के भी होंगे, सुन लीजिएगा, जाके बोल दीजिएगा होम मिनिस्ट्री में कि रतन लाल ने बोला है, मैं डरता नहीं, कि वही दिल्ली पुलिस उसको सुरक्षा प्रदान करवा रही है। तो ये निजीकरण नहीं है दिल्ली पुलिस का। कोर्ट में जाके बोलेंगे कि कान में हमको कहा होम मिनिस्ट्री से फोन आया था, आप फोन के इशारे पर वर्बल कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, दिस इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं कोई घबराया हुआ नहीं, इतिहास का छात्र हूं, मैं जानता हूं कि उतार चढ़ाव इतिहास में आते रहते, और हमारे लोग जो कह रहे हैं बहुत इंटरेस्टेड है एमएलए एमपी बनने में, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। जिस दिन आपका घर साफ हो जाएगा, दिमाग साफ हो जाएगा, जिस दिन मेरे कहने पे आप दिल्ली को भर देंगे, पूरा दिल्ली ब्लू दिखना चाहिए, उस दिन आपको विकल्प भी पेश कर देंगे। और दावे के साथ कह रहा हूं, मैं पॉलिटिकल आदमी था, मैं चुनाव लड़ा हूं बिहार विधानसभा, मेरा पूरा प्रॉपर्टी का डिटेल जाके देखिए, इलेक्शन कमीशन पर रखा हुआ है। 25 साल नौकरी हो गई है, न बैंक बैलेंस है, न प्रॉपर्टी है, न घर है, न कुछ नहीं है, तो कहां पकड़ोगे मुझे, ईडी कहां लगाओगे, कहां भेजोगे इनकम टैक्स, अच्छी दिन ईडी भेजोगे, इनकम टैक्स भेजोगे, यही समाज हम करोड़ों रुपए ला के दे देगा, यही समाज देगा, और उसी पर समाज को बदलोगे। हमारी संपत्ति वो भौतिक संपत्ति नहीं है, सोना चांदी रुपया हवेली नहीं है, हमारी संपत्ति हमारे लोग। जिस दिन ये लोग खड़े हो जाएंगे, जिस दिन बात समझ लेंगे, उस दिन देश आपका होगा हमारा। एक बात और कहने जा रहा हूं, एकदम समय का पावन 3 मिनट। जिस समय लोगों में जागृति इतनी नहीं थी, जागृति नहीं थी, जिस समय दलितों की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, उस समय 40 लाख कर्मचारी थे। उदित राजे ठीक कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं, ज्यादा आरक्षण पूरा हो रहा था, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा था, अपॉइंटमेंट हो रहे थे, लोगों में भी था कि नहीं, इनके साथ एट्रोसिटीज हुआ था, तो थोड़ा सिंपैथी भी था कि नहीं एडमिशन करा दो, चलो लाज शर्म भी था, सिंपैथी नहीं तो कम से कम आंख में लाज शर्म। जितनी हमारी जागृति बढ़ी और जितने पॉलिटिक जागृति का मतलब हम समझते हैं कि खाली राजनीतिक जागृति, बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति में वो पूंजी है जिससे अपनी मुकद्दर बदल सकते हो, आप झूठ पड़े। बाबा साहब ने सिर्फ यही नहीं कहा, बाबा साहब ने कहा था उसके पहले ज्ञान प्राप्त करो, इतिहासकार बनाओ, अर्थशास्त्री बनाओ, समाजशास्त्री बनाओ, पत्रकार बनाओ, वकील बनाओ। कितने बच्चे आपने भेजे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए, कितने बच्चे कोलंबिया भेजे आपने, तो नहीं, आधा ज्ञान हर समय घातक होता है। तो हर समय जहां मिडिल देखेंगे भाई, लड़ाई ये पॉलिटिकल क्लास खाली नहीं लड़ सकता है, प्रधानमंत्री भी बना देंगे नरोमित राज जी को, चाहे ओम सुधा को, ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास सीए तो है ही नहीं, तो हीरा चोर विदेश में ऐश करेगा, हीरा चोरी के चक्कर में पता लगा उदित राजी जेल में, आरोप में। तो लोग हमने कहा बनाए, हम सब ने मिलकर अपने बच्चों को जो है बाबू बनाया, तो बाबू बनो, तो लीडर तो बनाया नहीं तो डीलर ही मिलेगा, लीडर नहीं बनाया तो डीलर मिलेगा। इसलिए घबराने की मैं कोई निराश नहीं हूं, लड़ाई तो लड़ी जाएगी, अब ये ग्लोबल वर्ल्ड है, अगर एक बार हंगामा होता है तो ग्लोबली ट्रेंड होता है, यूएनओ में जाता है पूरा। अपने बच्चों को साहसी बनाइए, घर में बोलते हैं बेटा डर के आ जाना चुपके से,
धरना मत करना। जो बहादुर बनाएगा वही लड़ेगा। मेरे पिताजी ने कभी नहीं कहा था कि आंख झुका के आना घर पे, और आपके सामने खड़ा हूं बिहार से लेकर दिल्ली तक दर्जनों मुकदमे लड़े हमने। आज भी हाईकोर्ट में तो केस, और एक तीसरा तो आ गया ये बोनस में। तो आप डरेंगे, सेफ जोन में खेलेंगे, सेफ जोन तो नहीं। मुझे पता है कि 10-15 साल में कोई बड़ा आंदोलन इतिहास का छात्र इसलिए कर रहा हूं, 30-40 साल लगता है एक मूवमेंट को बनने में। जो नवीन कह रहा है, जो लक्ष्मण, जो शंभू, या जितने साथी कह रहे हो, जो हम कह रहे हैं अम्बेडकरनामा के माध्यम से, मुझे पता है कि 15 साल का बच्चा जो सुनेगा, 20 साल का बच्चा जो सुनेगा, 15 साल वो परिपक्व होगा, क्योंकि इसके महत्व को हमने नहीं पहचाना। रामायण महाभारत टीवी में हुआ, हमारे घर में भी उस जमाने में मुझे पता है कि धूप अगरबत्ती जला के लोग रामायण महाभारत देखते थे। तो सिर्फ राज सत्ता नहीं, कल्चरल हेजमनी जरूरी है। हमने अपने लोगों के बीच, यहाँ भक्त सुमित रतन बैठे हुए, और मैं कहता हूं कई बार लोग नाराज होगा, अरे कोई भी विचार या धर्म अपने आप नहीं फैलता है, अपने आप उसमें टांग नहीं होता कि चल के चला जाए। जितने बौद्ध लोग हैं वो सब दावा ठोके कि जितने बौद्ध बिहार हमारे कब्जे में है वापस करो, जितनी खुदाई करवा रहे हो जरा डीप करवा लेना। लक्ष्मण भाई भी कह रहे हैं जरा नीचे से खुदवाना, ज्यादा नीचे बौद्ध बिहार भी लेकर। जितने आपके भगवान बुद्ध को कब्जा किया हुआ है, विष्णु बनाया वापसी करवाओ, जाके घर घर बौद्ध धर्म का प्रचार करो। सिर्फ मठ में बैठने से अब त्रिचरण और त्रिरत्न, वो बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण है बर्मा में, 4 दिसंबर 1954 को बुद्धिस्ट काउंसिल ने बोला था कि बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे होगा भारत में, कैसे आगे बढ़ेगा। हम लोग पढ़ते भी नहीं, समझते नहीं। मैं क्या हूं नहीं हूं पढ़ के कम से कम यूट्यूब में आपको बता रहा हूं कि बाबा साहब ने ये कहा था, इस तारीख को यहां कहा था, इस पेज नंबर पे। ये लेसर एनिमी कहते हैं, अगर राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं तो 51% का सिद्धांत समझिए। 24 कैरेट अगर गोल्ड आप चाहेंगे तो जिंदगी में चेतना आपकी बढ़ती रहेगी, आप हारते रहेंगे। 51% मतलब 50+1 में सरकार बनती है। अगर हमसे आपकी 51% सहमति है तो आप हमारे साथ आइए। हमारे लोग करते क्या है, 98% सहमति है, 2% असहमति है तो नहीं खराब है, शत्रु है। ऐसे आप राजनीतिक परिवर्तन करेंगे और राज सत्ता पाएंगे नहीं। क्या देखिए, जो आपके राजनीतिक शत्रु है उनमें सब ने एक है, कहते हैं कि हम नहीं कर रहे, आपके धर्म ग्रंथ कर रहे हैं कि परशुराम ने 30 बार नाश कर दिया क्षत्रियों का। लेकिन अभी दोनों मिलकर कितना प्यार से जो है आपका कान ऐसे ऐसे ऐंठ रहे हैं पूरा, सब ये सब देख लीजिए। तो ये बात इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि बार बार जो शिक्षा की बात आई है, हमने डिग्री लेके नौकरियां, डिग्री लेके नौकरियां की दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जाकर देखे 3,500 SC/ST/OBC प्रोफेसर होगा क्या लक्ष्मण, कितना हो? ये टेम्पररी मास्टर जो है भारत भर में पंगा लिए रहता है। हमने इसको कहा है कि भाई तुम घबराना नहीं, कुछ होगा तो यही भाई लोग सबसे 2-2 हजार लेके इतना पैसा इकट्ठा कर दूंगा कि सारे नौकरी के बराबर पैसा होगा। पैसे की कमी नहीं होगी, संसाधन की कमी नहीं होगी, हमें कमिटेड सेनापति चाहिए और एक नहीं चाहिए। हमारे लोग में दिक्कत है कि हम ही खाली राजा बन जाए, नेता बन जाए, नहीं। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता और अपने बच्चों को बड़े पाप दिखाई महत्वाकांक्षी बने, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं तो मेरे पास 10 ऐसे लोग होने चाहिए जो होम मिनिस्टर अच्छा बन सके, जो डिफेंस मिनिस्टर अच्छा बन सके, जो फॉरेन मिनिस्टर अच्छा बन सके, जो फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा बन सके, तब जाके वो प्रधानमंत्री भी ठीक से काम करेगा, अन्यथा सिग्नेचर करने के अलावा कोई काम नहीं करेगा। शुक्रिया, जय भीम।